वेलकम दोस्तों, तो हमारे गार्डन पॉइंट पर देखिए मेरे कितने खूबसूरत गुलदार भी पूरी भर कर आई थी, लेकिन अभी ये मुरझाने लगे हैं। और अगर मैं इनको नहीं काटूंगी तो ये थोड़ी बहुत ही कली निकल रही है, तो ये दोबारा से फैलेंगे नहीं। तो आप इनको यहाँ से ऐसे सारे फ्लावर्स को कट कर दूंगी अभी। हालांकि इनका नीचे से कट करने का टाइम है, लेकिन मैं अभी ब्रांचेस कट नहीं करूँगी क्योंकि अभी इनमें कली आ रही है। तो ये जो है इनमें जितना एनर्जी खींच रहे हैं जितना, तो वो सब कलियों में लगेगा। अब ये देखिए आप ऐसे सारे कट कर दीजिए। अब ये जो कलियां हैं दोस्तों, ये दोबारा से खिलकर मेरे प्लांट पर आएंगी। ये देखिए आप ऐसे करिए, फ्लावर्स को कट कर दीजिए। फिर इसके बाद जब ये कली खिल जाएंगी, फिर मैं इसके नीचे से कटिंग करके इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करूँगी। अभी मैं इस प्लांट को नेक्स्ट ईयर के लिए सेव नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे इनमें कलियों में से कुछ फ्लावर्स लेने हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छा, ये मेरी लेट कटिंग लगी हुई थी, तो अभी ये बहुत अच्छा प्लांट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं दूसरे अपने पॉट की कटिंग कर रही हूँ। दूसरा देखिए आप, ये कटिंग कर रही हूँ मैं। ये सब भी फ्लावर्स सूख गए हैं, लेकिन मैं अभी इनकी डीपली कटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्रांचेस सूख चुके हैं उनको मैं कट कर दूँगी। ये और ये वाले फ्लावर्स, अभी इसमें न्यू बर्ड्स हैं दोस्तों जो आएंगे भी खिलकर, मैं उनको भी ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, बस इतना इतना कट कर दूँगी। देखिए आप ऐसे इनको अभी एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी प्लांट हेल्दी है, अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि हम इसकी डीपली कटिंग करके इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करें। अभी इसमें बर्ड्स आएंगी, क्योंकि ये सब मेरे कटिंग से लगाए हुए हैं, तो लेट कटिंग लगाई थी तो लेट ही इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से आपके जो बर्ड्स वो सब मुरझाने लगे हैं, आप उनको कट मार दीजिए, ताकि वो फ्लावर जितने मुरझाने हैं उनको कट मार दीजिए, ताकि बाकी बच्चे बर्ड्स जो हैं वो एनर्जी ले सकें। अभी देखिए ये मेरी कटिंग का पूरा कटिंग लगी हुई, इसमें एक में बहुत सारी कटिंग लगी हुई है, मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये जो का तो है। अब जब इनमें बर्ड्स आ रही हैं, जब फ्लावरिंग पे आएगा तो पूरा भर कर आएगा, थोड़ा देर से आ रहा है क्योंकि मेरी कटिंग लेट हो गई थी, लेकिन जब ये आएगा तो पूरा भर कर आएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरे फ्लावर की कटिंग लगी हुई थी। अब मैं इसको, अभी मैं इसको पूरा नहीं कट कर रही हूँ, अभी सिर्फ मैं इसकी ये फ्लावर ही कट करूँगी, क्योंकि अभी इसमें नीचे बर्ड्स आ रही हैं। आपके अगर ऐसा फ्लावर वो हो गया है तो अभी टाइम है, इनमें अभी जो बर्ड्स बची हुई हैं, क्योंकि ये प्लांट अभी पूरा ग्रीन है, इसमें भी कुछ फंगस या ड्राइनेस कुछ नहीं हुई है। तो ये देखिए मैंने कट कर दी है, अब आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी कलियां हैं और न्यू ब्रांचेस भी निकल रही हैं। अभी देखिए जितनी कलियाँ हैं दोबारा से भर कर आएंगी। तो ऐसे आपके जो फ्लावर हो रहे हैं, अभी ये मेरा चल रहा है, देखिए ये इसमें अभी मेरा इसमें कटिंग वटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, अभी ये चल रहा है। फिर ये चल जाएगा तो ये थोड़े दिनों बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, ये सब फ्लावर हटा दूँगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गुलदावरी को नए वो लीजिए। और ये देखिए ये वाले मेरी गुलदावरी जो कि तुम रखिए, मैं मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं इसे रिपोर्ट करूँ, इसमें इसी में बर्स आने लगी है। देखिए ये ऐसे ही खिल जाएंगी, तो ये मैं बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं इनको सेव करूँगी, अपने गार्डन में लगा दूँगी इसको ज़मीन में, और इनको सेव करूँगी। तब तक के लिए दोस्तों, ये मेरा गुलदावरी का अपडेट था जो आज मैंने गार्डन में काम किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।